द परिश्रम्स पैराडाइज रिवर व्यू होटल एंड रिजॉर्ट। यहाँ आपको मिलेगा घर जैसा सुकून। यहाँ आपको मिलेगा मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट। खंडवा शहर में पहली बार तंदूरी चाय मिलने का एकमात्र स्थान। फुल एसी रूम, पार्किंग व्यवस्था, बर्थडे डेकोरेशन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। तो फिर देर किस बात की, चले आइए द परिश्रम्स पैराडाइज रिवर व्यू होटल एंड रिजॉर्ट। रामनगर से कुछ दूरी पर जसवाड़ी रोड, खंडवा। अब आपके खंडवा में नॉन वेज फैमिली रेस्टोरेंट रॉयल तड़का, द टेस्ट ऑफ खंडवा, टंटू उस्ताद का रेस्टोरेंट। वेज एंड नॉन वेज की सारी आइटम अब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, एसी रूम के साथ। एक बार जो खाए खाता रह जाए। टेस्ट जरूर करें रॉयल तड़का पर आकर। एसी रूम में बैठने की व्यवस्था के साथ खंडवा का पहला नॉन वेज फैमिली रेस्टोरेंट, हॉली स्प्रिट स्कूल के पास, वत्सला विहार। एक बार जरूर आए। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया A9 में। मैं हूँ आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। खंडवा में स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईवीएम मशीनों की चौकीदारी कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने यहां पर पुलिस के अलावा सशस्त्र बल के जवानों की ड्यूटी भी लगा रखी है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को किसी पर भरोसा नहीं है। खंडवा जिला मुख्यालय पर मानधाता विधानसभा उपचुनाव की ईवीएम मशीन रखी हुई है। शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को गणना स्थल बनाया गया है। यही 10 नवंबर को मतगणना होगी, इसलिए मतगणना स्थल पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ईवीएम मशीनों को रखा गया है। इन मशीनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। स्ट्रांग रूम तक किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। स्ट्रांग रूम के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मतगणना स्थल पर आने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रजिस्टर्ड किया जाता है। स्ट्रांग रूम के बाहर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता 24 घंटे ईवीएम मशीनों की चौकीदारी कर रहे हैं। यह लोग अपनी शिफ्टों में आते हैं, खासकर रात में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए यह लोग अपने घर से बिस्तर लेकर आते हैं। ठंड को ध्यान में रखते हुए गर्म कपड़े और कंबल के साथ यहाँ पर आराम भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिला प्रशासन पर तो भरोसा है, लेकिन स्ट्रांग रूम की चौकीदारी अब राजनीतिक दलों की परंपरा बन गई है, इसलिए अपने कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई है। क्या तो उसको वो दृष्टि नहीं रखें कि आपके जिला प्रशासन मेहनत नहीं कर रहा। जिला प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन पर पूरा विश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये रहता है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को हम लगा देते हैं 24 घंटे ड्यूटी। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही संविधान को छलनी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता की लोभी हो गई है और सत्ता पाने के लिए वह सब कुछ कर सकती है, इसलिए ईवीएम मशीनों की चौकीदारी करना अनिवार्य हो गया है। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में संविधान को छलनी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके बाद तो किसी भी तरह का भरोसा किसी भी चीज़ पर करना हमारे लिए थोड़ा सा तकलीफ देह हो गया, कष्टदायक हो गया है। प्रशासन के लोगों पर और जो भी यहाँ पर जवान हैं पुलिस के, उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ ईवीएम का ध्यान रख रहे हैं, मशीन का ध्यान रख रहे हैं, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि सत्ता और सरकार में बैठी हुई सरकार जो है वो इतनी ज़्यादा सत्ता के लोभी हो चुके हैं कि वो कब क्या करेंगे, इसका कोई निर्धारण, इसका कोई आघात नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत जो हम लोग कर सकते हैं, अपनी पार्टी के कुछ लोग हमने छोड़ रखे हैं, और ऐसी कोई व्यवस्था ना बने, ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पर निरंतर तत्पर हैं। बुरहानपुर जिले के धूलकोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाहियां बढ़ती ही जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र से नवजात शिशु एवं प्रसूति महिला को घर जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा प्रदान नहीं की गई। भले ही शासन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसा एक मामला बुरहानपुर जिले के धूलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रकाश में आया है। बुधवार के दिन धूलकोट के खोदरा फालिया निवासी प्रमिला पति प्रकाश डिलीवरी हेतु स्वास्थ्य केंद्र पर आई थी। बुधवार की रात में महिला को प्रसव हुआ।
गुरुवार सुबह 9 बजे महिला के परिजनों ने जननी एक्सप्रेस को फोन लगाया, मगर ड्राइवर ने यह कहकर मना कर दिया कि रास्ता खराब है इसलिए वाहन नहीं जा पाएगा। अब इस परिस्थिति में महिला के परिजन ट्रैक्टर ट्राली से नवजात शिशु एवं प्रसूति महिला को लेकर घर पहुंचे। घर वाले के लाया था 2 बजे, तो अभी रास्ता खराब से कहीं छोड़ने के लिए जा रहा। किसने बोला रास्ता खराब है? ड्राइवर ने। कौन सी गाड़ी के ड्राइवर ने? नाम सरकारी गाड़ी। तो फिर अभी कैसे ले जाओगे तुम? अभी टलारी से। कहाँ रहते हो? खुदरा नवादा। अपने विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसएन कॉलेज के प्राध्यापक को ज्ञापन सौंपा। वहीं मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर एसएन कॉलेज के प्राध्यापक डॉ. सिंह को ज्ञापन सौंपा। वहीं नगर मंत्री शुभम पटेल ने बताया कि कोरोना महामारी विद्यार्थियों के लिए एक चुनौती एवं संघर्ष का समय है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे विद्यार्थी जो महाविद्यालय में सीट वृद्धि नहीं होने के कारण एवं अन्य कारणों से पंजीयन एवं सत्यापन कराने से वंचित रह गए हैं, उन्हें पुनः एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल रहे। ऑनलाइन पंजीयन शीघ्र अति शीघ्र शुरू किया जाए, क्योंकि अभी भी बहुत से छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित है। अपने कॉलेज के सभी संकाय में सीटों में वृद्धि होनी चाहिए, ताकि जिले का कोई भी विद्यार्थी प्रवेश लेने से वंचित न रहे। ऐसे विद्यार्थी जो असाइनमेंट जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें पुनः एक मौका दिया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उच्च शिक्षा मंत्री से मांग है कि यथाशीघ्र उनकी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा और इसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। जी, और बताइए आज किस विषय को लेकर के आपने ये ज्ञापन दिया है कॉलेज में? छात्रों की समस्याओं को लेकर के आज हम प्राचार्य महोदय के समक्ष आए थे, क्योंकि पूर्व में भी हमने ज्ञापन के माध्यम से सीट वृद्धि की मांग रखी थी, और वर्तमान में हमने देखा कि बहुत से छात्र अभी भी जिले के वंचित रह गए हैं प्रवेश से। तो हमने आज भी मांग की है उच्च शिक्षा मंत्री जी से कि जिले के बहुत से छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित रह गए हैं, क्योंकि पूर्व में 15% ही सीट बढ़ाई गई थी कॉलेज में। तो मांग करते हैं कि इस प्रकार से 15-20% सीटें और बढ़ाई जाए, जिससे जो बच्चे छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित रह गए हैं, उन्हें प्रवेश लेने का मौका मिले। शुभम पटेल, नगर मंत्री, खंडवा। नेपानगर सीट पर हुए उपचुनाव के बाद दोनों ही पार्टियों की जीत को लेकर नेपानगर विधानसभा के 2 किसान बहुत ही आश्वस्त है। एक किसान ने भारतीय जनता पार्टी की जीतने की शर्त पर अपने 21 एकड़ में लगी मौसम्बी के खेत को दांव पर लगाया है। वहीं दूसरे किसान ने कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्तता दिखाते हुए 26 एकड़ का निजी खेत दांव पर लगा दिया है। बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट पर हुए मतदान के पश्चात चुनाव में खड़े मतदाताओं का भविष्य ईवीएम में कैद है, और कौन से पार्टी के सिर सजेगा ताज, यह तो आने वाली 10 नवंबर को मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। किंतु इसके पूर्व भाजपा कांग्रेस को लेकर खकनार क्षेत्र के 2 किसानों ने जीत को लेकर अपने अपने खेत दांव पर लगा दिए हैं। भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा काजडेकर की जीत को लेकर किसान अशोक चौधरी ने अपना खेत दांव पर लगा दिया है। खकनार के ग्राम निमद के किसान अशोक चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे द्वारा शर्त रखी गई है कि इस बार भाजपा से सुमित्रा काजडेकर की ही जीत होगी, और कोई इस पर शर्त सुमित्रा काजडेकर की हार होती है तो सामने जो भी व्यक्ति मेरे से शर्त लगाएगा उसे मैं अपना 21.5 एकड़ खेत जिसमें मौसमी की खेती है वह दे दूंगा। मैं अशोक डगड़ू चौधरी निबंधन सुमित्रा भाभी की जीत की ओर से शर्त लगाना चाहता हूँ 21.5 एकड़ जमीन की, जिसमें मेरे खेत में मौसम्बी लगी हुई है। अगर कोई माई के लाल में हिम्मत है तो सामने आए और शर्त लगाए मेरे से। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल की जीत को लेकर भी ग्राम खड़की के उप सरपंच दौलत खान ने अपना 26 एकड़ खेत दांव पर लगा दिया है। खकनार के ग्राम खड़की उप सरपंच ने भी एक वीडियो जारी कर कहा है कि मेरे द्वारा शर्त रखी गई है कि इस बार कांग्रेस से रामकिशन पटेल की ही जीत होगी, और कोई इस पर शर्त लगाता है और रामकिशन पटेल की हार होती है तो मैं सामने जो भी व्यक्ति होगा उसे 26 एकड़ खेत दे दूंगा। मैं दौलत खान, ग्राम पंचायत खड़की उप सरपंच, कांग्रेस की ओर से 26 एकड़ जमीन
मेरे खुद की निजी लगा रहा हूँ रामकिशन पटेल के ऊपर, कोई माइक लाल हो तो शरीयत में खड़ा हो जाए। इस प्रकार के वीडियो जारी कर शर्त रखी गई है, किंतु यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। वहीं भाजपा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि शर्त लगाना गलत बात है, किंतु दोनों ही पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशियों की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। नेता ने, हमारे कार्यकर्ता ने काम किया, मेहनत किया, तो उनको ऐसा लगा कि कोई चैलेंज किया होगा उनको किसी ने कि हम जीत रहे, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, यदि आप जीत रहे तो मैं शर्त लगाने की तैयार हूँ। और अशोक चौधरी ने चैलेंज किया, उसके बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ से ये बात आई कि मैं 26 एकड़ जमीन लगाने के लिए तैयार हूँ। तो ये तो प्रतिस्पर्धा है, लेकिन ये उनके अपने अपने व्यक्तिगत मत हो सकते हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ये बयान हो सकता है ऐसा नहीं है। और जो लोग शर्त लगा रहे नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा शर्त लगाने वालों को मत लगाओ, नफा नुकसान दोनों में से किसी का भी होगा, नहीं करना चाहिए, लेकिन जीतने वाला रामकिशन पटेल 110% में गारंटी, कम से कम वो 15 से 20 हज़ार से कम जीतेगा। और कभी उसका फैक्टर चल गया ज़्यादा टिको और बिको का, तो वो 25 हज़ार से ऊपर जाएगा, इससे कम चुनाव वो जीतेगा। खंडवा शहर के जवाहरगंज निवासी एक युवक ने क्षेत्र के शासकीय स्कूल के भवन में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। खंडवा के जवाहरगंज निवासी युवक राहुल यादव ने क्षेत्र की लाला लाजपत राय प्राथमिक विद्यालय के खंडहर भवन में फांसी लगा ली। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची, शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। वहीं पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम धामन गांव में शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में डॉक्टर द्वारा लापरवाही बढ़ती ही जा रही है। चिकित्सालय समय पर नहीं खुल रहा है, ना ही जनता को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। बुरहानपुर जिले के ग्राम धामन गांव में शासकीय होम्योपैथी में लापरवाही आए दिन बढ़ती ही जा रही है। औषधालय का खुलने का समय सुबह 8:30 से दोपहर 12:30 बजे तक एवं 2 बजे से 4 बजे तक है, लेकिन खुलेआम लापरवाहियां सामने आ रही है। जब जिला अधिकारी श्री अंसारी द्वारा निरीक्षण किया गया तो उस दौरान अस्पताल बंद मिले। जिला अधिकारी ने आधे घंटे तक डॉक्टर के आने का इंतजार भी किया। वहीं चर्चा के दौरान जिला अधिकारी ने बताया कि जब मैं निरीक्षण करने आया तो अस्पताल बंद नजर आया, मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर की बड़ी लापरवाही है। अब ये जो आज ये मेरे यहाँ निरीक्षण के दौरान ये नहीं आए हैं, तो अब मैं इनको आज चेतावनी पत्र दे के आगे ही कार्रवाई जो उचित कार्रवाई होगी वो करूंगा। सर, मीडिया कर्मी के द्वारा बताया जा रहा है कि रजिस्टर में एक नाम 3-3 बार चढ़ा गया है, सर इसका मतलब मान्यता क्या है? मतलब नहीं, वो तो गलत है, अगर ऐसा है आप कह रहे हैं तो वो मैं चेक कर लूंगा ना, ऐसा नहीं है ना, मैं रजिस्टर बुला के पूरा चेक कर लूंगा। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो सर क्या कार्रवाई? नहीं, डंडा जो भी, देखिए उचित कार्रवाई जो भी है ना, जैसे अब आज की बात है, जहाँ तक अभी अपन आज का उदाहरण ले कि समय 2 घंटे लेट दवाखाना खुलना, मतलब इसका ये अर्थ सीधा सीधा ये है कि भाई आप आज की बात नहीं, रोज ही लापरवाही कर रहे होगी, तो अपन उस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे ना। लेकिन आज जब पहली बार है, अपन देखा है, देखने के बाद देखते हैं आगे अपने क्या कार्रवाई करना उचित, जो होगा वो करेंगे ना बिल्कुल। और अभी आपके सामने इन्होंने ये बोला है कि मैं आज से समय पर आऊंगा रजिस्टर, और आपका जो एक शिकायत है कि एक नाम 2-3 बार है, तो मैं रजिस्टर बढ़ा के रजिस्टर ऑफिस में चेक कर लूंगा ना, ऐसा कुछ थोड़ी है मेरे को। सर आपका नाम और पद बताइए। डॉक्टर कलीम अंसारी, जिला आयुष अधिकारी बुरहानपुर। लगा रहे कि आप समय पे नहीं आते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं लोग ऐसे तो समय डेली आ रहा हूँ जी, एक्चुअली ऐसा मेरा कुछ वो नहीं है, आ रहा हूँ मैं तो डेली आता हूँ। आज भी आप लेट आए? एक्चुअली कुछ काम आ गया था, इस वजह से कभी लेट हो जाता है। तो आपने डिपार्टमेंट को बोला था कि मैं लेट जाऊँगा? आपके ऊपर के अधिकारी को किसी को सूचना दी थी आपने? सर जी जी, आपने किसी अधिकारी को, आपके ऊपर के अधिकारी को सूचना दी थी कि मैं लेट जाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो मतलब आप मानते हो कि आप डेली लेट आते हो? नहीं, डेली लेट एक्चुअली क्या है कि कभी कभार हो जाता है, क्योंकि अधिकारी आने के बाद अस्पताल बंद दिखा, आधे घंटे तक बाहर खड़े रहे। सर आपका नाम? जी जी, कमल राठौर। मध्य प्रदेश मीडिया संघ द्वारा कोरोना योद्धाओं को सम्मान पत्र देकर पुलिसकर्मियों का सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में रामेश्वर चौकी में पदस्थ चौकी प्रभारी एवं पुलिस जवानों का सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश मीडिया संघ एवं खंडवा पत्रकार संघ द्वारा पुलिसकर्मियों का सम्मान किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में शुक्रवार को मोगट रोड थाना अंतर्गत पुलिस चौकी रामेश्वर रोड प्रभारी उप निरीक्षक विकास खींची और पुलिसकर्मियों का सम्मान जिला अध्यक्ष श्याम शुक्ला के नेतृत्व में संघ के सदस्यों द्वारा किया गया। इस अवसर पर
मध्य प्रदेश मीडिया संघ जिला अध्यक्ष श्याम शुक्ला ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में अपने कर्तव्य पर पदस्थ रहकर पुलिस कर्मचारियों ने सीमा पर सैनिकों के समान देश की सेवा की है। आज उनका सम्मान कर मध्य प्रदेश मीडिया संघ गौरवान्वित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री की जयंती से मध्य प्रदेश मीडिया संघ ने कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देने की शुरुआत की थी। जिला पुलिस अधीक्षक से अनुमति लेकर कोरोना बचाव के नियमों का पालन करते हुए कोविड 19 के संक्रमण काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर आम लोगों को शासकीय कर्मियों ने अपनी आवश्यक सेवाएं प्रदान कर उन्हें सम्मानित करने का मौका दिया है। सम्मान प्राप्त करने पर मोघट रोड थाना प्रभारी चौकी रामेश्वर रोड प्रभारी उप निरीक्षक श्री विकास खींची ने मध्य प्रदेश मीडिया संघ का आभार व्यक्त किया। मांधाता थाना पुलिस दल ने अवैध शराब उत्पादन कर रही भट्टियों को नष्ट किया। पूर्व सूचना मिलने पर आरोपी फरार हो गए। वहीं पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। नर्मदा किनारे अवैध शराब उत्पादन का गोरख धंधा सालों से चला आ रहा है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर शनिवार को मांधाता पुलिस थाना के ASI यादव, आरक्षक शैलेंद्र, महिला आरक्षक प्रतिभा आदि पुलिस दल ने मिलकर नाव से भ्रमण करते हुए नर्मदा नदी किनारे अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट कर करीब 2000 लीटर महुआ लहान नष्ट किया। मौके पर करीब 100 लीटर कच्ची शराब भी मिली। वहीं मिट्टी लगाने वाले व्यक्ति पुलिस को आता देखकर फरार हो गए। वहीं पुलिस द्वारा अवैध शराब उत्पादन में संलग्न लोगों की तलाश भी की जा रही है। क्या आप अपने प्रतिष्ठान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपने ब्रांड को नंबर वन ब्रांड बनाना चाहते हैं? तो आज ही हमसे जुड़े और अपने प्रतिष्ठान को दे नया आयाम। सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें। हमारे नंबर्स हैं 9977930894, 8319507398। द परिश्रम्स पैराडाइज रिवर व्यू होटल एंड रिजॉर्ट। यहाँ आपको मिलेगा घर जैसा सुकून। यहाँ आपको मिलेगा मैरिज गार्डन रेस्टोरेंट। खंडवा शहर में पहली बार तंदूरी चाय मिलने का एकमात्र स्थान। फुल एसी रूम, पार्किंग व्यवस्था, बर्थडे डेकोरेशन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। तो फिर देर किस बात की, चले आइए द परिश्रम्स पैराडाइज रिवर व्यू होटल एंड रिजॉर्ट। रामनगर से कुछ दूरी पर जसवाड़ी रोड खंडवा। अब आपके खंडवा में नॉन वेज फैमिली रेस्टोरेंट रॉयल तड़का, द टेस्ट ऑफ खंडवा, टंटू उस्ताद का रेस्टोरेंट। वेज एंड नॉन वेज की सारी आइटम अब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, एसी रूम के साथ। एक बार जो खाए खाता रह जाए। टेस्ट जरूर करें रॉयल तड़का पर आकर। एसी रूम में बैठने की व्यवस्था के साथ खंडवा का पहला नॉन वेज फैमिली रेस्टोरेंट, हॉली स्प्रिट स्कूल के पास, वत्सला विहार। एक बार जरूर आए।